नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। सबसे पहले आप सभी टीवी 20 न्यूज के प्रिय दर्शकों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की व और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। तो खबर आजमगढ़ से, जहां राष्ट्रीय साहू गांधी समाज राष्ट्रीय अध्यक्ष देवनाथ साहू के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्ट्रेट से प्रभात फेरी निकालकर रायदपुर स्थित गांधी प्रतिमा पर पहुंचकर माल्यार्पण कर नमन किया गया। इसके साथ ही साहू समाज के लोगों ने महात्मा गांधी अमर रहे, जब तक सुपरचार रहेगा तब तक गांधी जी का नाम रहेगा के नारे भी लगाए। वहीं प्रतिमा के पास बैठकर रामधुन भी गाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष देवनाथ साहू ने कहा कि आज महात्मा गांधी के विचार सत्य अहिंसा के सिद्धांत आदि वैश्विक शांति के प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के आदर्श का पालन करते हुए विश्व सुख शांति और विकास हासिल किया जा सकता है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय साहू गांधी समाज के तत्वाधान में हमारे संगठन के लोग, हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं अनिल ओम प्रकाश जी हैं और हमारे सब संगठन के लोग हैं, हम लोग प्रभात फेरी निकाले हैं कलेक्ट्रेट कचहरी में और महात्मा गांधी के प्रतिमा पर आकर के माल्यार्पण किए हैं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमारे समाज में पैदा हुए थे, इसलिए हम लोग आज उनका हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्मदिन मनाते हैं और उनके पर विचारों को आत्मसात करते हैं। आज उनका विचार, उनके विचारों पर चल के, महात्मा गांधी के विचारों पर चल के उनके साथ हम लोग रास्ते पर बताए हुए रास्ते पर चल करके हमारा साहू समाज अपना कारोबार करता है, आगे बढ़ता है और हमारा संगठन भी राष्ट्रीय साहू गांधी समाज का संगठन भी उन्हीं के रास्ते बताए हुए रास्ते पर चल रहा है।